हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने यूपी सहायक पंचायत तो भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है या करने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि यूपी सहायक पंचायत जिसमें लगभग में 58,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है, अब इस पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और यह भर्ती प्रक्रिया हाई कोर्ट में गई है और इसे रद्द करने के कगार पर, यानी कि यह भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के कगार पर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि यहाँ पर हाई कोर्ट में जो रीट, यानी कि जो याचिका दायर किया गया है यूपी सहायक पंचायत के लिए यूपी सरकार को, तो यहाँ पर क्या क्या मांगे रखी गई हैं तथा इसकी सुनवाई कब तक होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ से, यानी कि केस स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर केस स्टेटस क्या है। अगर आपको नंबर डालना है तो यहाँ पर, यानी कि केस का नंबर जो है, यानी कि रिट का नंबर जो है, वह 10049 है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिट संख्या यहाँ पर सीधे मेंशन है। तो फ्रेंड्स, यह जो फाइलिंग, यानी कि इस केस का फाइलिंग जो किया गया था, यह 4 अगस्त को किया गया था और यहाँ पर मांगे जो हैं वह क्या है, यह भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट हेयरिंग डेट जो है वह 13 अगस्त है, यानी कि कल दिनांक 13 को इसका पहली सुनवाई थी और जिसमें कुछ फैसला अभी नहीं लिया गया है, लेकिन इसमें फाइनली क्या बोला गया है इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 20, यानी कि इसे लिस्टेड किया गया है अब 20 अगस्त तक, यानी कि 20 अगस्त को अगली सुनवाई है। स्टेज ऑफ केसेस, यानी कि फ्रेश एंड बेंच टाइप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल सिंगल बैच, और यहाँ पर आप देख सकते हैं केस लिस्ट टाइप है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर, यानी कि आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जौनपुर से यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर पिटीशनर, यानी कि जो रीट पिटीशनर हैं वह आपके, यानी कि देवी प्रसाद शुक्ला हैं, जिन्होंने, यानी कि वो एडवोकेट, यानी कि एडवोकेट मान बहादुर सिंह के साथ हैं, यानी कि मान बहादुर सिंह और सीनियर एडवोकेट शिव मनोरथ शुक्ला के साथ इन्होंने रीट पिटीशन दायर किया गया है। और इन्होंने, यानी कि रिस्पोंडेंट, यानी कि जिसके खिलाफ रीट याचिका दायर किए हैं वो है स्टेट ऑफ यूपी एंड 4 अदर एडवोकेट सीएससी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, यानी कि जो कैटेगरी है रीट पिटीशन रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सिंगल बैच। और यहाँ पर आप, यहाँ पर, यानी कि देख सकते हैं पूरा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि केस लिस्ट टाइप, यानी कि फ्रेश लिस्ट, यानी कि फ्रेश लिस्ट, और ऑनरेबल मिस्टर, यानी कि जो भी हैं यहाँ पर, महेश चंद्र त्रिपाठी जो यहाँ पर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि महेश चंद्र त्रिपाठी के लिए लिखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सुनवाई हुई है वह 13 अगस्त को हुई है, यानी कि लास्ट जो सुनवाई हुई है, और यहाँ पर नेक्स्ट, यानी कि सुनवाई को भी दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या फैसला लिया गया है या यहाँ पर क्या मांगे रखी गई हैं, मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है देवी, यहाँ पर, यानी कि देवी प्रसाद, यहाँ पर, यानी कि देवी प्रसाद जी के द्वारा मांग यहाँ पर किया गया यह है कि यहाँ पर इनके द्वारा पहली मांग ये किया जा रहा है कि जो भी पुराने, यानी कि जो भी पुराने कंप्यूटर सहायक, यानी कि कंप्यूटर पंचायत सहायक हैं, जिन्होंने लगभग में 15 साल से अधिक समय हो गए और उन्होंने अपने कर्तव्य जो है वह निष्ठा से निर्वहन किया है, लेकिन उनके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा है। यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो 15 साल से किसी भी ग्राम पंचायत में अपनी निष्ठा से काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ भी सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। तो ऐसे में उनका क्या होगा? तो यहाँ पर पहला मैटर यह है, और दूसरा मैटर यह है कि यहाँ पर, यानी कि यूपी गवर्नमेंट को नए सिरे से भर्ती नहीं करना चाहिए, यानी कि नए सिरे से 58,000 पदों पर भर्ती नहीं करना चाहिए। और इसके लिए जो पुराने, यानी कि जो कंप्यूटर पंचायत सहायक हैं, उनको यहाँ पर मौका देना चाहिए, या आरक्षण, या एज में रिलैक्सेशन, या यहाँ पर परसेंटेज, कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए, जिससे कि उनका
15 साल का जो एक्सपीरियंस है, यानी कि यहाँ पर जो 15 साल उन्होंने काम किया है वो जाया ना जाए, तो यहाँ पर दूसरी बात यह थी। और दोस्तों अगर यहाँ पर तीसरी हम देखें, यानी कि तीसरा जो यहाँ पर मुद्दा था वह यह है कि इस भर्ती से नेपोटिज्म का बढ़ावा दिया जाएगा, यानी नेपोटिज्म और करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पर देवी प्रसाद शुक्ला जी के द्वारा यह भी मांग किया गया है, यानी कि यहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन को बढ़ावा जरूर मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर यानी कि चौथा, तो चौथा यह है कि इसी काम को करने के लिए लगभग में 37,000 रुपये गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को देती है, यानी कि अगर किसी कोई भी व्यक्ति को इसी काम के लिए हायर करती है कंप्यूटर पंचायत सहायक के लिए, तो लगभग में 37,000 रुपये पर मंथ का यहाँ पर सैलरी दिया जाता है। लेकिन इस भर्ती के लिए यानी कि इस वैकेंसी के लिए मात्र 6,000 ही क्यों? तो यहाँ पर यह भी सवाल है कि यहाँ पर इतना कम पैसा क्यों दिया जा रहा है। तो यह थे मांगे जो देवी प्रसाद शुक्ला जी के द्वारा रखा गया है, वो भी मान बहादुर सिंह और शिव मनोरथ शुक्ला जी के साथ यहाँ पर यह मांगे रखी गई हैं। और इसको लेकर के यानी कि भर्ती को लेकर के देवी प्रसाद शुक्ला जी के द्वारा मांग किया गया है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, यानी कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह भर्ती एक यानी कि अनसेटिस्फेक्शन भर्ती है। तो यहाँ पर यानी कि सरकार ने, यानी कि जो आपका हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर सरकार को, यानी कि जो रिस्पोंडर है वो हमारे यानी कि यूपी सरकार है, इनको एक सप्ताह का मोहलत दिया है, यानी कि एक सप्ताह का समय दिया है, और इसमें अपनी सफाई या अपने बयान को इकट्ठा करने के लिए और पूर्णतया रूप से यानी कि यहाँ पर पूर्णतया रूप से यह यानी कि सेटिस्फेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यानी कि जो यहाँ पर रीट है यानी कि याचिका देवी प्रसाद शुक्ला जी के द्वारा दायर किया गया है, इनके सवालों का जवाब मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, यह हम देखेंगे 20 अगस्त को, यानी कि 20 अगस्त को इस केस की अगली सुनवाई है जिसमें यूपी सरकार इसका जवाब देगी और देखेंगे कि इसमें क्या होगा। लेकिन दोस्तों फाइनली यह है कि कहीं भी इस चीज़ का मेंशन नहीं है कि आपका जो भर्ती परीक्षा जो भर्ती प्रक्रिया है वह रद्द हो गई है, लेकिन यहाँ पर रद्द करने का मांग किया जा रहा है। लेकिन अगर यह केस यानी कि केस की सुनवाई होती है तो यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया रद्द किया जा सकता है, अगर यहाँ पर यूपी सरकार को गलत पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह था इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको डाउट हो रहा है या अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर यह जो है मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप खुद ही जा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप इस रीट को यानी कि रीट संख्या को डाल सकते हैं और आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं केस का स्टेटस क्या है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।